हे हेलो दोस्तों, मैं हूं मिनमोय द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है। आज हम ऐसे बात करेंगे जैसे दो दोस्त बात कर रहे हैं। आज मैं आपको तीन ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जो मैंने यूट्यूब से ही लिए हैं, लेकिन ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा डार्क और क्रीपी है, एकदम अनएक्सप्लेन्ड है कि इन वीडियोज़ में जो हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। और दोस्तों, ये सभी के सभी वीडियोज़ रियल हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ आपको हमारे चैनल में देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, ये जो पहला वीडियो है वो तो इंटरनेट का वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट वीडियो में से एक है। ये वीडियो 2013 का है और इस वीडियो की थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ आपको। फ्रैंक नाम का एक मिडिल एज आदमी होता है, वो अमेरिका का है। उसका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अबंडेंट माइंड्स एंड अनयूजुअल प्लेसेस। इस चैनल में वो कैमरा लेके अकेले अलग अलग ऐसे मिस्टीरियस और डार्क प्लेसेस में जाता है, स्पेशली जो एबेंडन माइंस है, खदान जिसको हम बोलते हैं, जो कई सालों से एबेंडन है और वहाँ कोई भी नहीं जाता। ऐसी जगहों पे वो जाके वीडियोस बनाते हैं और दिखाता है कि अंदर कैसा माहौल है, एकदम डार्क और क्रीपी वीडियोस होते हैं। इस चैनल पर वो कई सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसको कुछ भी व्यूज नहीं मिलते थे मेरी तरह। फिर एक दिन उसने ये वीडियो शूट किया और फिर यूट्यूब पर डाला। कुछ दिन तक तो ये वीडियो नहीं चला, पर अचानक ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि आज के दिन इस वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज है। इस वीडियो में एक एबंडन माइंड दिखाया जाता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, और ये जो माइंड है वो अमेरिका के किंगस्टन नाम के शहर में है। इस माइंड का नाम है द हॉटन माइंड, जो 1970s में बनाया गया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि इसके अंडर गोल्ड मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही मिला। इसके बाद ये माइंड कोई काम का नहीं रहा और कुछ ही सालों बाद इस माइंड को बंद कर दिया गया। किंगस्टन जो शहर है वो एक इतनी छोटी जगह है कि मुश्किल से मुश्किल इस जगह पर पूरे साल में 100 लोग ही आते होंगे, और वो भी शायद इस माइंड को ही देखने। सिर्फ इसमें एक ही नाई है, एक ही दुकान है, इस तरह की एकदम छोटी कम्युनिटी है। और इस तरह का है कि एक रास्ता है, उसके साइड में घर है और पीछे पूरा रेगिस्तान और बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ऐसे ही एक पहाड़ में आइसोलेशन में ये माइन है, द हॉटन माइन। इस माइन का ये एंट्रेंस देखो, ये फोटो देखो, फोटो में ही ये माइन कितना क्रीपी, कितना मतलब भयानक लग रहा है। और अभी मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। There's still water. You can see it really far. I'll go a few feet further in and check it out, but I think I'm going to pass on this one. This is one of the creepiest mine tunnels I've ever been in, just because of how dilapidated it is and all these chains hanging down from the overhead, and there's a shot looking down the tunnel even further, but still pretty wet. And taking a look around here back at the entrance, which is there. Okay, here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in, and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Yeah, this mine definitely has a very spooky vibe to it. So I'm going to head back out and check out the other stuff that's here. This is just too wet, too muddy. And obviously something is making the chains swing. So time to get the hell out of here. A lot of water everywhere. And there's a shot looking back towards the entrance. तो देखा दोस्तों, कितना डरावना वीडियो था। ये वीडियो आए कई साल हो गए, लेकिन आज भी ये पता नहीं चला कि उस माइंड में ये चेन कैसे हिल रही थी अपने आप। वैसे दोस्तों, जो फ्रैंक है उसकी बहादुरी को सलाम करना पड़ेगा, मतलब हिम्मत है वहाँ जाके इस अंधेरे में इतनी पुरानी जगह पर वो
वो शूट कर रहा है और चेन हिलने के बाद भी थोड़ा बहुत तो डरा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं डरा। अब आते हैं दूसरे वीडियो पर। ये दूसरा वीडियो काफ़ी नया है, 18 सितंबर 2023 का है। दो लड़कियां एक रूम में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों एक डांस कंपटीशन में डांस करने वाले थे। अब जब ऐसा होता है कि जब दोस्त लोग मिलते हैं तब थोड़ी मजाक मस्ती भी करते हैं, तो इसी तरह ये दोनों लड़कियां भी एक दूसरे को शूट करने लगी। और फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक हॉरर टाइप का, एक हॉन्टेड टाइप का वीडियो बनाया जाए और फिर इंटरनेट पे डाला जाए। इसी आइडिया को लेकर उन्होंने ये वीडियो बनाया। पहले ये वीडियो देखिए। आर यू रेडी? You have 5 moves to get to me. ये वीडियो ही थोड़ा सा स्केरी है, लेकिन जब ये वीडियो ये लोग बना रहे थे तब इसी समय कैमरा में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है, और इन लड़कियों के भी होश उड़ गए थे। ये देखिए। Something fell, right? Yeah, it was sitting right here. Was it? And it just fell off? Okay. Fell? No, that's how that flew off. There's no way it was here. Fell. Feel how heavy this is. I don't know. Yes, oh, wow. It was sitting right here. Did you touch that? No, she didn't touch it. I don't know. That's. I don't know. Maybe it was like. Wait. What? Was no. that already? Why is that? Right? Oh my god! You guys! What the heck? That was okay. So what? No. What the cat is? Oh my god! Wait! Oh my god! What is? Wait! I'm really scared. What the fuck is happening? पहले एक चीज गिनने की आवाज आती है। ये जो कैबिनेट है ये कैसे अपने आप बंद हो गया? ये बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड है दोस्तों, बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड, एकदम रियल वीडियो है। और आज की जो तीसरी और लास्ट वीडियो है वो है एक माँ बेटी की। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये छोटी लड़की कह रही है कि उसके क्लोजेट में कोई है, कुछ हिल रहा है उस क्लोजेट के अंदर। और जब माँ उस क्लोजेट को खोलकर देखती है तो कुछ ऐसा होता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं, आपके भी उड़ जाएंगे। Is that what scared you? It's okay. ये पुतला अपने आप कैसे हिलने लगा, कैसे वो गिर गया, अनएक्सप्लेन्ड है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो देखकर कमेंट में ज़रूर बताइए। और इंडिया या फिर आसपास के कंट्रीज़ के अगर कुछ इस तरह के क्रीपी रियल वीडियोज़ हैं वो भी आप मुझे सेंड कीजिए। और कई लोग जो कहानी एक्सपेक्ट कर रहे थे दोस्तों, निराश होने की बात नहीं है, बहुत सारी कहानियाँ मैंने रेडी करके रखी है, सिर्फ उनको एडिटिंग करना बाकी है। जल्द ही आने वाले टाइम में एक एक करके लेके आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द। टिल देन थैंक यू सो मच।